अल्लाह जल्ले शान, करीम है तेरी जात सबसे अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है तेरी जात सबसे अजीम है। सभी तुमको पुकारते कोई सोच में कोई साज में, ओ आला जात है तेरी, ओ आला जात है तेरी, दसा बनी द म ग म प म ग प रे ग म द प ग नी नि रे ग द ग ड ड ड ड ड ड ड ड माशाल्लाह। मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा है कि कितना खूबसूरत आगाज़ आपने किया
दानिश अली, इरफान अली, और वो जो तीसरे नंबर पे बैठे हुए जिन्होंने बालों को गोल्डन किया हुआ, इनका क्या नाम है? इनका नाम है फवाद अली। फवाद अली, मैंने आप में वो आज टैलेंट देखा है पहली कवाली में, आपका इनाम तो पक्का है और इंशाल्लाह मैंने आपने जितने दिल से पढ़ा है वो नजर आया, और मुझे नजर आ रहा है कि आगे चल के आप बहुत ज्यादा नाम भी पैदा करेंगे। जी सायरा जी, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है आज के मौजू के हवाले से। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन करवा दें, हमारी नई हमारी गेस्ट आई हैं जनाब, हमारे मुल्क की एक बड़ी आवाज और बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, और इनके मियां व्हाट्सएप जो हैं वो ऑलवेज अपने इखलाक की वजह से मेरे दिल के बड़े करीब रहते हैं, तो इस हिसाब से मैं इन्हें भाभी कह के भी बुलाता रहता हूँ। नूरा लाल, आज तो नूरा सफेद कह सकते हैं हम आपको। सबसे पहले तो सबको खुश आमदी, बहुत खुशी हुई आप सबको देख के, अच्छा लग रहा माशाल्लाह जी, बिल्कुल कह सकते हैं आज के दिन जो मर्जी कह लो, मैं बर्दाश्त करूंगी। हमारी ट्रांसमिशन कैसी लग रही है, और आप ऑलवेज मेरे शोज पे आते हो, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बस ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जहां ही बस ऊपर वाला नजर आ रहा है। माशाल्लाह। आज हम आपसे ढेर सारी नातें भी सुनेंगे, और इससे पहले हम मुफ्ती साहब से एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी सायरा, किसी को इज्जत देने से क्या मुराद है? इज्जत और इंसान की तकरीम के हवाले से बयान फरमाया कि करमना बनी आदमा, कि हमने बनी नो इंसान को इज्जत का ताज दिया है, इज्जत का ताज हमने पहनाया है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को काबिल इज्जत बनाया, काबिल एहतराम बनाया, और किसी के लिए भी ये रवा नहीं है, जायज़ नहीं है कि वो इंसान किसी दूसरे मुसलमान की इज्जत आबरू से खेले या उसकी इज्जत की धजियां उड़ाए या उसकी पगड़ियों को उछाले फिरे। आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर खाना काबा के करीब से गुजरते हैं, और खाना काबा को मुखातब करके ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐ काबा, तेरी बड़ी इज्जत है, तू बड़ा काबिल एहतराम है, लेकिन एक बात सुन ले कि एक मोमिन की इज्जत और एहतराम तेरे दर और दीवार से भी कई गुना ज्यादा है। यानी एक इंसान जो है वो एक धड़कता हुआ दिल रखता है अपने सीने के अंदर। यानी खाना काबा का मामला तो ये है, वो तकद्दस अपनी जगह, सब कुछ अकीदत अपनी जगह, बज़ाहिर तो वो एक पत्थर से बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ है, पत्थर के अंदर दिल नहीं होता, आप जो मर्जी कह लें उसे तकलीफ नहीं होती, लेकिन इंसान अपने दिल अपने सीने के अंदर एक दिल रखता है और उससे उसको तकलीफ होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जो है एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, तो आप अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए एक मशले रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के जनाजे के मौके पर खड़े हो जाते हैं, और आपको देखकर सहाबे किराम भी खड़े हो गए। तो जब जनाजा चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि या रसूलल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हो गए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैसत नफसन, क्या वो इंसान नहीं था? मैं इंसानियत की वजह से उसकी इज्जत की, इंसानियत की वजह से इज्जत दे रहा हूँ। इसी बात को आगे चल जाते हैं, क्या खूबसूरत जुमला। और जनाब छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में मुफ्ती साहब की खूबसूरत बातें सुन के दो बातें अपने तजर्बे से याद आई। इज्जत हमेशा एक इज्जतदार ही दूसरे को दे सकता है, जिस आदमी के पास खुद इज्जत ना हो वो दूसरे को कभी इज्जत नहीं देता। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।